रायपुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कालीघाटी में हुए डबल मर्डर हत्याकांड का रायपुर पुलिस ने 48 घंटों में पर्दाफाश किया है, जिसको लेकर रविवार को SDOP एवं थाना प्रभारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है। दरअसल दिनांक 16 जून की रात्रि ग्राम कालीघाटी के पहाड़ी पर 2 लाख मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी एवं पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा पूरे मामले की पड़ताल की जा रही थी, जिसमें पुलिस के द्वारा पूरे मामले का आज खुलासा किया गया। घटना को लेकर दिनांक 17/6/2022 को मर्द की सिलसिलेवार जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत पुरुष पंकज निवासी ग्राम कालीघाटी एवं मृत युवती टीना निवासी ग्राम वडलीपाड़ा की मौत किसी अज्ञात बदमाशों के द्वारा गला घोटकर हत्या करना लेख किया, जिसे थाना रायपुरिया पर अपराध क्रमांक 305/2022 धारा 302-201 भारतीय दंड विधान का अज्ञात बदमाश आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण हालात वरिष्ठ अधिकारीगण को बताए गए, जिससे मामले की प्रकृति एवं संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अरविंद तिवारी पुलिस अधीक्षक झाबुआ के निर्देशन पर थाना रायपुरिया में दोहरे अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने हेतु सोनू डावर SDOP पेटलावत के मार्गदर्शन में साइबर सेल झाबुआ एवं थाना रायपुरिया की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल पर निर्मित परिस्थितियों एवं कथनों से यह निकल कर आया कि शुरुआत से ही मृतक के पिता चतर सिंह एवं भाई रोशन के द्वारा गुमराह किया जा रहा था तथा मृतक पंकज के परिजन एवं गांव वालों के कथनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था कि मृतिका टीना के परिजनों के कथनों से यह पता चला कि घटना दिनांक से करीब 20-22 दिन पूर्व दोनों पक्षों में मृतिका के कालीघाटी चले जाने के झगड़े को लेकर एक सामाजिक बैठक हुई थी, जिसमें लड़की पक्ष द्वारा बेटी के कालीघाटी पंकज पिता चतर सिंह के घर आ जाने की बात पर सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार सामाजिक बैठक द्वारा रकम चाही गई, जो मृतक पंकज के परिजन द्वारा देने से मना कर दिया तथा लड़की को वापस ले जाने की बात कही गई, परंतु लड़की टीना पंकज के साथ कालीघाटी में ही रहना चाहती थी। सामाजिक बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ, लड़की पक्ष वापस अपने गांव आ गया कि बात सामने आई। टीम के द्वारा इसी बात को आधार बनाते हुए लड़के पक्ष के परिजन से पूछताछ की गई। लड़के पक्ष ने पिता एवं भाई द्वारा शुरुआत से ही गुमराह किया गया तथा सख्ती एवं सूझबूझ से पूछताछ करने पर पिता चतर सिंह एवं भाई रोशन के द्वारा बताया गया कि झगड़े की रकम देने में समर्थ नहीं थे तथा लड़की टीना को बार बार हमारे द्वारा वापस अपने गाँव वडलीपाड़ा जाने को कहा। पंकज और टीना इस बात पर राजी नहीं थे, इसी बात को लेकर विवाद आए दिन होता था। घटना दिनांक को इसी बात को लेकर खेत पर झगड़ा हुआ। आरोपी गण चतर सिंह पिता मोती गामण निवासी कालीघाटी व रोशन पिता चतर सिंह गामण निवासी कालीघाटी द्वारा फोन करके दोनों को अपने खेत पर बुलाया। वहीं पर दोनों को रस्सी से गला घोटकर मारा तथा हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए दोनों की लाश भारत भाबर के खेत के पास नीम के पेड़ के नीचे पटक दिया गया तथा एक रस्सी भी वहां पटक दी तथा आरोपी चतर सिंह ग्राम कोटवार को 2 लाश पड़ी होने की बात बताकर रात में गाँव से फरार हो गया तथा आरोपी रोशन पिता चतर सिंह गामण भी मौके से फरार होकर गाँव से बाहर चला गया। विवेचना के दौरान आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया। हत्या में प्रयुक्त संसाधन बरामद किए गए। टीम भारती न्यूज। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी, बाद में जब हमने उसका पोस्टमार्टम कराया तो हमें पता चला कि उसमें ये हत्या का प्रकरण है। उस चीज़ को हमने गंभीरता से लिया और फिर जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो उसमें मामले का खुलासा ये हुआ है कि जो मृतक के पिता और भाई है, उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या अभी तक की क्या कुछ कर रहे हैं? अभी तक 302-201 में मामला पंजीबद्ध करा गया है और उसके बाद में दोनों को गिरफ्तारी भी हो गई है। अब उनको जेल में पेश किया जाएगा। किन कारणों की वजह से मैं हत्या की गई? इसमें कारण अभी सामने ये आया है कि जो लड़की थी, लड़का लड़की साथ में रहना चाहते थे और जो भी यहाँ की जो व्यवस्था है उस हिसाब से पैसे के लेन देन की कुछ बात चल रही थी और लड़के पक्ष उसके लिए राजी नहीं थे, इस कारण से ये हत्या की गई। आगे भी मैम कार्रवाई चल रही है या अभी खुलासा पूर्ण रूप से कर दिया गया? खुलासा पूर्ण रूप से कर दिया गया है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।